गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। जो आज का टॉपिक है वो भी मैं पहले से लिख कर रखा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ इनवर्टेड सेंटेंस। सो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि एज पर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर सेंटेंस दैट इज डिवाइडेड इंटू फाइव वर्ड्स, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव एंड इंटरोगेटिव का हो गया था। सो आज कौन वाला होगा? आज होगा ये इंपरेटिव वाला, ठीक है। तो इंपरेटिव को पहले यहाँ पे जो एक ट्रिक के बारे में बताया गया था, याद है वो, एक से अगर पांच होता है, दो से छह होता है, तीन से सात होता है, हाँ वो ट्रिक, वही ट्रिक जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अगर उस ट्रिक के बारे में आपको जानना है तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस को पहले मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला होगा प्राइमरी, पहला वाला होगा प्राइमरी, एंड इधर वाला जो है उसको मैं लिख दे रहा हूं लेट, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो है प्राइमरी, ठीक है। तो ये सबसे आसान हमको लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस एक्चुअली है क्या? इसका मतलब होता है कि ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा, आप घर पहुंचे और मम्मी जस्ट गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज रिक्वेस्ट। आप अपने भाई को ऑर्डर दे रहे हो, ब्रिंग माई फोन, दैट इज ऑर्डर। एडवाइस दे रहे हो किसी को, रीड अटेंटिवली, दैट इज एडवाइस। हाँ, तो ये एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, एडवाइस देना, ऑर्डर करना, या फिर कमांड देना, या फिर हो गया रिक्वेस्ट करना, सजेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, वही सब होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो जैसे कि मान, अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको कहाँ ध्यान देना पड़ता है? अच्छा, याद रखिएगा ये प्राइमरी वाला हो रहा है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्ट मतलब जो घुमा के, दैट इज। तो पहले क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, ध्यान से देखना है, इसे टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी दिस, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो पोर्शन है, ये वाला हो गया, ये जो ही है ये स्पीकर है, ये मी जो है ये लिस्नर है, सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, एंड ये वाला पोर्शन जो है इसके, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब तो ये वाला हो गया डायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच से आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो जैसे ही हम लोग ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच से चेंज करेंगे तो आपको सेड टू में पहला ध्यान देना होगा। सेड टू से क्या होता है ना, यहाँ पे सेड टू से होता है रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लीज रहता है तो वहां पे रिक्वेस्टेड होगा, अगर प्लीज नहीं रहता है एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको ध्यान देना है कि वहां पे ऑर्डर्ड होना चाहिए कि एडवाइज्ड होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके एडवाइस से जो स्पेलिंग होता है ना, ए डी वी आई सी, दैट इज द नाउन, एंड ए डी वी आई एस डी जो मैंने वहां पे लिखा है वो क्या है, वो एक्चुअली वर्ब है। तो एडवाइज्ड होगा या इंस्ट्रक्टेड होगा, क्या होगा वो आपको अपने से समझना होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी दिस। तो चलिए, ही जो स्पीकर, मैंने ये लिख दिया ही, ओके। अब सेड टू से क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड। कब होता है रिक्वेस्टेड? जब वहां पे प्लीज रहता है तब रिक्वेस्टेड होता है। तो यहां पे ही रिक्वेस्टेड मी। अब लिंकर, सेड टू के बाद कहां पे ध्यान देना होता है, लिंकर क्या होता है, याद है असर्टिव सेंटेंस में लिंकर होता था दैट, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यस नो रहता था तो इफ होता था, फिर डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता था। हाँ, अगर आपको जानना है इसे, पहले वाला जो वीडियो है ना वही डब्ल्यू एच वर्ड का है, वो आप देख पाओगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी, यहां पे लिंकर होता है टू, यहां पे जो लिंकर होता है वो होता है टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू। उसके बाद क्या होगा, अब तो प्लीज तो उठ जाएगा क्योंकि यहां पर रिक्वेस्टेड हो गया है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी। अब दिस से क्या होता है, गिव मी दैट, दैट इज द आंसर। तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो आपको तीन चीजों में हमेशा ध्यान देना पड़ता है, वो एक हो गया सेड टू, दूसरा हो गया लिंकर, एंड तीसरा हो गया हाउ टू चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे सबसे आसान हमको यही वाला लगता है कि जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू हैव टू नो
अबाउट द सेंटेंस फर्स्ट, इट इज इम्परेटिव सेंटेंस और व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये ऑर्डर वाला है या रिक्वेस्ट वाला है या एडवाइस वाला है, तो क्या है, यू मस्ट नो दैट। अगर प्लीज से होता है तो प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर या प्लीज गिव मी दिस, तो मतलब क्या होता है, वो रिक्वेस्ट वाला होता है। तो आपको वहां पे सेट टू की जगह पे रिक्वेस्टेड बैठना होता है, लिंकर में क्या करना होता है, टू करना होता है, एंड टू के बाद जो होता है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में रहता है उसी को बैठा दीजिए, दैट्स ऑल। हाँ, प्रोनाउन का तो चेंज होता ही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपको पहला वाला जो ये मैंने अभी लिखा था वो अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राहुल सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राहुल सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है, राहुल सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ पे सेठ है तो उससे नहीं डरना है, उससे टेंशन नहीं लेना है, सेड है यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप, इंपरेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद वर्ब, जो वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे गेट आउट फ्रॉम हियर इट इज वन काइंड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर लग रहा है हमको, तो क्या करना होगा यहाँ पे, राहुल ऑर्डर्ड फिर लिंकर टू गेट आउट फ्रॉम हियर से क्या होगा, देयर, ये होंगे देयर, ठीक है, राहुल ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम देयर। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको कोई क्वेरी रहता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता, हो ही सकता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या आपको समझ नहीं आ रहा, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको पूछ सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, जो हमारे न्यू व्यूअर्स है, अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा एंड आप भी वीडियो देख पाओगे, आपको भी कुछ फायदा हो ही जाएगा इसमें, तो ऑलरेडी ये नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए। सो राहुल सेड टू, चलिए नाम वही रहने देते हैं ना, राहुल सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, हिम नहीं, राहुल सेड टू हिज ब्रदर कर देते हैं ना, हिज ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग माई फोन, ब्रिंग माई फोन, ठीक है, राहुल सेड टू माई, राहुल सेड टू हिज ब्रदर ब्रिंग माई फोन, ठीक है। तो अब इसको क्या चेंज करना है, ध्यान से देखना है कि सेंटेंस क्या है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है ना, ब्रिंग माई फोन, यहाँ पर प्लीज लगा हुआ नहीं है, मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसका भाई को बोल रहा है, तो भाई को बोल रहा है दैट मीन्स क्या, ऑर्डर ही दे रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, राहुल ऑर्डर His brother, Raul ordered his brother to bring dash phone. Dash में क्या हुआ? My phone या Raul का phone? तो Raul का phone that means his phone. ठीक है? ये हो गया primary का जो imperative sentence का जो primary का portion रहता है वो हो गया। ये तो सबसे आसान तरीके वाला है। ठीक है, मान लेते हैं ये तो हो गया। अब चलिए इसी को रहने देते हैं, राहुल सेड टू हिज ब्रदर डोंट गो देयर, ठीक है, राहुल सेड टू हिज ब्रदर डोंट गो देयर, तो ये क्या होगा, क्या यहां पे भी लिंकर टू होगा कि कुछ और होगा, क्या सेड टू इक्वल टू यहां पे भी रिक्वेस्टेड होगा कि ऑर्डर होगा, क्या होगा, अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप जानते ही लेट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बताना ही होगा वो, तो अगर आपको जानना है तो सीओडी आपको इस चैनल में बन रहना है, एंड आप अगर न्यू व्यूअर हो यहाँ पे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप लिखिए, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में जब लेट के बारे में डिस्कस होगा दैट टाइम आई विल टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, थैंक यू।